हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 33वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल एवं कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां साझा की। समारोह में विशेष रूप से सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ साथ खेल और सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के आकर्षक प्रतिवेदन को विभावी कुल सचिव मोहम्मद मुख्तार आलम ने प्रस्तुत किया, जबकि स्वागत भाषण विभावी कुलपति सुमन कैथरीन किस्पोट्टा ने दिया। मैं पहली बार इस रूप में कार्यक्रम के बीच आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं पूरे 40 वर्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से सक्रिय था, आपातकाल में जेल जाने की बात से लेकर फिर जब 89 में मैं लोकसभा में चुनकर आया, तब से अब तक हमारा काम का कार्य क्षेत्र दूसरा था। और अब जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसके अंतर्गत ये मेरी कोशिश रहे कि मैं चाहता हूं कि अब जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने हमको दिया है, मैं उस कसौटी पर खड़ा उतरूं। और ये राज्य यहाँ पर आने के बाद बहुत सी विशेषताएं समझ में आ रही हैं, काम का तौर तरीका भी समझ में आ रहा है। मैं भारत न केवल आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर उन्नति कर रहा है, बल्कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य हमने तय किया है उसकी ओर हम लोग तेजी से आगे भी बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारा देश वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना चुका है तथा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं, सब इस बात को देश नहीं दुनिया के लोग भी महसूस कर रहे हैं।